शुरुआत हम विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करेंगे और मेरे साथ विदेशी बाजार के संकेत समझाने के लिए विस्तार से पूजा जुड़ेंगी, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और बाजार बंद होने के बाद कल कौन से नतीजे आए बताने के लिए शरद है हमारे साथ। मार्केट एक्सपर्ट जेनम सिक्योरिटीज के किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आया है ग्लोबल मार्केट सेटअप पर इसका कैसा असर दिखेगा इस पर हम एक्सपर्ट से एक राय भी लेंगे, तो वो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन चलिए मनप्रीत गिल हमारे साथ विदेशी बाजार के संकेतों को लेकर जुड़ेंगे, उनसे भी बात होगी। विदेशी बाजार के संकेत क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद पूजा से बात करेंगे विदेशी बाजार पर उनका क्या मानना है और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत यहां पर आप देखिए 16,010 के लेवल्स पर करीब 157 अंकों की बिकवाली के साथ एसडीएक्स निफ्टी में ओपनिंग होती हुई दिख रही है। कोरिया और जापान के बाजारों में भी गिरावट नजर आ रही है। इस बीच बीती रात अमेरिकी बाजार को अगर आप देखेंगे अनुमान से ज्यादा रिटेल महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में बिकवाली हावी होती हुई दिखी। डाउ, नैसडैक, S&P में इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि आप देखेंगे। नैसडैक में 3% से ज्यादा की गिरावट भी नजर आ रही है और ध्यान रखिए टेक्नोलॉजी हैवी सेक्टर भी है और साथ ही रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी है जो कि यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और इन्फ्लेशन का भी एक डेटा है जिसका इम्पैक्ट हमने यूएस मार्केट्स में देखा। चलिए कमोडिटी मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, साथ ही एशियाई बाजार, ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं आफ्टर द इन्फ्लेशन नंबर्स एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला, हालांकि फ्यूचर्स में हमने हल्की सी बढ़त भी देखी है। बिल्कुल, ओवरऑल अगर मानसी बात करें, जैसा कि आप बता रही थी कि महंगाई को लेकर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं यूएस की तरफ से, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूएस स्टॉक फ्यूचर जरूर हल्का बढ़त सा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी संकेतों को अगर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े मिक्सड और नेगेटिव क्यूज निकल कर आ रहे हैं। अगर एशियाई बाजारों पर नज़र डालेंगे तो काफ़ी कमजोरी है, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले मेंशन भी कर रही थी, एक्सएक्स निफ्टी 16,010 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं यूएस मार्केट में भी देखेंगे तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखा गया, जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए हैं। डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो वहाँ पर 1% की गिरावट देखी गई, S&P 500 में करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई और अपने नए 52 वीक लो S&P 500 ने बनाया। और इस पूरे साल की बात करेंगे जनवरी से लेकर अब तक की, तो साल के निचले स्तर पर भी S&P 500 ने क्लोजिंग भी दी है और नैसडैक में भी काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखी गई, 3% के आसपास की कमजोरी नैसडैक में भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस पर इंडेक्स ने ज़रूर रिएक्ट किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यूएस स्टॉक्स तेज़ी में नज़र आए हैं क्योंकि वहाँ पर अर्निंग्स भी निकल कर आ रहे थे और अनुमान से बेहतर जो नतीजे आए हैं उसके चलते हम देख रहे थे कि यूएस के कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स में दबाव बरकरार था। महंगाई के जो आंकड़े आए हैं स्पेशली उसकी वजह से जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। 8.1% का हम अनुमान कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी बढ़त देखने को मिली और 8.3% के आसपास ये नंबर्स देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं कंसर्न देखने को मिला। बाकी मार्केट्स में भी बात करेंगे तो यूरोप मार्केट में इस तरह की कोई प्रेशर नहीं देखने को मिली, इनफैक्ट इतने दिनों की जो गिरावट थी वहाँ से कहीं ना कहीं एक उलट ही कारोबार देखने को मिला और तेज़ी लौटी यूरोपीय बाजार में। फुटसी की बात करेंगे तो करीब करीब 1.5% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली है। यहाँ पर भी जो महंगाई का आंकड़ा आया था उससे थोड़ा बहुत असर दिखा, लेकिन जो नतीजे आ रहे थे अपने घरेलू फैक्टर्स पर यूरोपीय बाजार ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नजर आया, वहाँ पर भी जो नतीजे आ रहे थे वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे, तो उस पर यूरोपीय बाजार ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नजर आए, तो यूरोप बाजारों में तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखी गई है। लेकिन कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ पर फिर से एक तेज़ी लौटी, पिछले दो दिनों में हमने देखा कि करीब करीब 10% गिर चुका था ब्रेंट क्रूड, लेकिन अब एक रिकवरी आई है और $108 का जो स्तर है वो फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश की ब्रेंट क्रूड ने। वजह ये भी थी कि यूरोप में रशियन गैस की सप्लाई में कमी आई है और ये यूक्रेन के थ्रू एक्सपोर्ट होती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि वाया यूक्रेन रशिया ने कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और वो नहीं हो पाया, तो इसके चलते एक तेज़ी देखी गई कच्चे तेल में भी। क्रिप्टो की बात करेंगे तो महंगाई के आंकड़ों का जो असर है वो यहाँ पर देखा गया और बिटकॉइन वापस से $30,000 के नीचे वापस से फिसलता हुआ नज़र आया, वहाँ पर भी करीब 5% की गिरावट देखी गई है। तो इस तरह के क्यूज़ मिल रहे हैं, अगर बात करें तो कुछ नेगेटिव क्यूज़ इस वक्त नज़र आ रहे हैं और महंगाई के आंकड़ों पर कहीं ना कहीं विदेशी बाजार इस वक्त रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका असर आज भारतीय बाजारों में भी हल्का देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल पूजा, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यूएस महंगाई दर में कमी जरूर दिखी, लेकिन अनुमान से ये अधिक है। आपको बता दें अप्रैल में सीपीआई जो है 8.5% से घटकर 8.3% पर जाता हुआ दिखा, अनुमान हमारा 8.1% का था, और इसी के चलते इम्पैक्ट जो है यहाँ पर विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स में पर्टिकुलरली देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के मनप्रीत गिल। मनप्रीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ऑफकोर्स यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर सभी की नजर थी, और जिस तरह से डेटा आते हुए दिखे हैं महंगाई दर में कमी दिखी है, लेकिन अनुमान से यह ज्यादा है। जहां पर 8.1% का अनुमान था, महंगाई का आंकड़ा 8.3% पर जाता हुआ दिखा है। इकोनॉमी की रिकवरी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह नजर आ रही है, उसका इम्पैक्ट हमने अमेरिकन मार्केट्स में देख भी लिया। आपको क्या लगता है? जी गुड मॉर्निंग। नहीं, हमारे व्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था मार्केट्स के लिए वो ये था कि इन्फ्लेशन जो सीपीआई डेटा के बाद में क्या जो फेड के जो पॉलिसी रेट में बढ़ावत है वो क्या जो अभी भी जो बढ़ावत है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगी, या अभी भी इन्फ्लेशन के प्रेशर इतने हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस वो अभी भी और हायर जाने के रूम है। तो वो मेन फोकस था मार्केट के लिए। और ये रिपोर्ट जैसे आपने बोला था कि ये मिक्स रिपोर्ट थी, जो ऑप्टिमिस्ट के साइड से आप देखें तो ये नंबर पिछले रिलीज से थोड़ा सा कम था, और अगर आप कंपोनेंट्स में देखें तो जो गुड्स इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, तो वो ट्रेंड के डायरेक्शन से वो एक पॉजिटिव है, लेकिन नंबर अभी भी 8% काफी हाई नंबर है। और उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप नई गाड़ी के प्राइसेस देखें, आप सर्विसेज इन्फ्लेशन देखें, उसमें भी अभी प्राइसेस प्रेशर हैं। तो वो हमारे व्यू में मार्केट का रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो इक्विटी मार्केट के व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा इनकंक्लूसिव सा रिपोर्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट का होप ये था कि अगर ये फर्मली अगर एक सिग्नल आ जाए कि जो पिछला नंबर था वो इन्फ्लेशन का पीक है, तो जो पॉलिसी रेट जो फेड एक्सपेक्टेशंस के पॉलिसी के एक्सपेक्टेशन थे उसमें थोड़ा सा कैप आ जाए। लेकिन अभी भी हमारे व्यू में मार्केट अभी भी कुछ सिग्नल जो फेड पॉलिसी स्पीचेस से अभी भी थोड़े से और सिग्नल्स का कॉन्फर्मेशन चाहिए होगा कि वो इन्फ्लेशन के प्रेशर्स शायद एटलीस्ट कैप हो गए अभी के लिए। तो हमारे व्यू में डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन अभी एक दो डेटा रिलीजेस और चाहिए होंगे मार्केट के कॉन्फिडेंस के लिए। डायरेक्शन ऑफकोर्स पॉजिटिव यहाँ पर नजर जरूर आ रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरह से यूएस फेड पर आपने अपना नजरिया बताया, ऑफकोर्स महंगाई के में कमी आने तक यूएस फेड जो है वो दरें बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं, तो आगे यूएस फेड की तरफ से किस तरह के आउटकम्स आते हुए दिखने के संभावना आपको नजर आ रही है? हमारे व्यू में जो फेड के एक्चुअल पॉलिसी रेट में बढ़ावत है, हमारे व्यू में जो ज्यादा फ्रंट लोडेड होंगे, तो आप अगले 2-3 मीटिंग्स को देखें उसमें सिग्नल काफी क्लियर है कि वो 0.5% से बढ़ाएंगे, और हमारा व्यू में फेड वही सॉर्ट ऑफ डिलीवर करेगी। लेकिन हमारे लिए की है कि साल के सेकेंड हाफ में हमारा व्यू एटलीस्ट है कि जो फेड का रेट है उसमें बढ़ावत मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम एक्चुअल डिलीवरी होगी, और उसके लिए रीजन ये है कि बोथ इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ के साइड से के व्यू से देखें हमारे व्यू में दोनों नंबर साल के सेकेंड हाफ में थोड़ी सी कमी होगी। अब आप महंगाई की प्राइसेस जो सीपीआई इन्फ्लेशन है सेकेंड हाफ में हमारे व्यू में यहाँ से नंबर्स कम ही होंगे, एब्सोल्यूट लेवल्स में थोड़े से 4-5% के रीजन में रहेंगे, लेकिन वो इस 8% लेवल से कमी थोड़ी सी होगी। और सेकेंड रीजन ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में कि ये सॉर्ट ऑफ ग्रोथ में जो अभी भी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल से लॉन्ग टर्म ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन फेड पे रेट बढ़ाने का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे व्यू में, और ये आउटकम हमारे व्यू में इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। और इसलिए इस टाइम में पिछले 2-3 महीने में काफी वॉलिटिलिटी हुई है, लेकिन हमारे व्यू में पूरे साल के और इस पॉइंट में पर्टिकुलरली हम इक्विटीज में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, लेकिन सेक्टर के मुताबिक अगर आप फाइनेंशियल जैसे सेक्टर में देखो वो थोड़ा सा हेज कर सकते हैं कि अगर रेट फेड के पॉलिसी रेट अभी से बढ़ते रहे तो फाइनेंशियल एक अच्छा एग्जाम्पल है जो उसमें थोड़ा सा हेज दे सकते हैं। बिल्कुल मनप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से यूएस इन्फ्लेशन के डेटा एनालाइज करने के लिए, उसका इम्पैक्ट हमारे सामने रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और